हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोचन एवी रिकॉर्डेड। एंड मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं टुडे, आशीष ठाकुर। आई वुड से स्पेशल गेस्ट, सिंपल रीजन इज व्हाई, बिकॉज़ ही हैज हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग माय इनिशियल फेज ऑफ यूट्यूब जर्नी, एंड फॉर दैट आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू हिम, ऑलवेज ऑलवेज दिल से बिल्कुल। तो उसमें इसने बहुत हेल्प करी, एंड टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो विद हिम, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि क्रूज लाइन के बारे में जानना चाहते हैं। आशीष इज हिमसेल्फ I would say an influencer कम educator बहुत, जो कि लोगों को बता रहा है maritime, and he's on Instagram, he's on YouTube, पहले merchant navy के लिए लोगों को guide करता था और अब ये cruise पे भी करेगा, right आशीष, am I right? So आशीष, without wasting any time, let us just start with the first question, and that is, why did you switch over from merchant navy to cruise line, especially when you were sailing on Anglo-Indian ships, on LPG career, on LPG carriers as a fourth engineer, cruise पे आने की क्यों सोची? सर सबसे पहले मैं बल्क कैरियर में था, बल्क कैरियर से मैं आया एलपीजी में। तो मेरा जो आंसर है उसके बीच में, आई एम ओपन टू चेंज। मैं वो बंदा नहीं हूँ जो एक शिप कर रहा हूँ तो नेक्स्ट टाइम में मुझे वही शिप में जाना है क्योंकि मुझे सब कुछ मालूम रहेगा। मैं वो बंदा हूँ ही नहीं, आई एम स्टिल ओपन टू चेंजेस। यू डोंट नो इन नेक्स्ट 4 ईयर्स मैं कहाँ हूँ। तो बेसिक एंड प्रॉपर स्ट्रिक आंसर यही है, आई एम ओपन टू चेंजेस। नई नई चीजें सीखनी है, अभी ये करियर चूज किया है तो डिफरेंट टाइप ऑफ शिप्स देखने इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए सर मैं क्रूज में चला गया। ओके, तो जब आप क्रूज पे गए, उसके लिए जब आपने सोचा, अचानक मन बन गया चलिए मुझे क्रूज पे आना है, ओपन टू चेंज, हाउ डिड यू डू दैट? आपने कहीं अप्लाई किया था? और अगर जो लोग जाना चाहते हैं उसके लिए आप पूरा एक हमें बताइए कि क्या करना चाहिए लोगों को। ठीक है सर, उसके लिए मैं सिंपल स्टेप्स बताऊंगा आपको। पहला, अगर आपको कहीं भी जाना है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, मैं रिसर्च कर रहा था। दूसरा, मैं गया लिंक्डइन, लिंक्डइन पे गया मैं, वहां पर जो भी क्रूज की कंपनी थी मेरे को मालूम थी, बट मुझे ये नहीं मालूम था कि इंडिया से कहां से रिक्रूटमेंट होती है, क्योंकि इंडिया में जहां से भी रिक्रूटमेंट होगी वहां पर आरपीएसएल नंबर चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके ये पता लगाया। तो इंडिया में दो कंपनीज है, एक CSSI करके और एयरबोर्न रिक्रूटमेंट। तो मैंने दोनों से बात किया, ऑनलाइन पोर्टल बनाया, ऑनलाइन अप्लाई किया। तब लकीली थर्ड इंजीनियर की वैकेंसीज थी और वो लोग इंडियंस ले रहे थे, तो दोनों से मुझे ऑफर आया, बट बात आगे नहीं बढ़ रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, लिंक्डइन पे गया, CSSI कार्निवल सपोर्ट सर्विस, वहां पर जो भी लोग हैं उनको फॉलो किया, उनको मैसेज डालता रहा कि ऐसा ऐसा है, मैंने ये किया, अप्लाई किया, आपके कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो लकीली मैम मेरे को रिप्लाई दे दी, क्योंकि शायद मैं भी लिंक्डइन पे मेरा काफी अच्छा वो है, कंटेंट में डालता रहता हूँ। तो रिप्लाई आया, उनसे बातचीत चलती रही और उन्होंने मेरा सब प्रोसीजर कर दिया। तो आपको एजेंसी नहीं, आपका लिंक्डइन काम आया, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स काम आई। तो और ये एफर्ट्स काम आते हैं, मुझे अभी भी याद है आशीष, इवन योर यूट्यूब स्किल्स, दे हेल्प यू गेट जॉब इन एंग्लो एज वेल, क्योंकि आपको लोग जान गए थे तब तक। सही बोल रहा हूँ? सो मैं यहाँ पर सबसे कहना चाहता हूँ, कोई मेहनत खाली नहीं जाती, बट सही दिशा में लगाइए और उसका जूस निकाल के पी जाइए। आगे बढ़ते हैं। नाउ आशीष, सिंपल क्वेश्चन, 5 things दैट यू लाइक मोस्ट अबाउट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन क्रूज, क्या अच्छा लगा आपको? सर 5 चीजें मैं बताऊंगा सिंपल। सबसे पहला मुझे क्रूज में अच्छा लगा वो था सिस्टमैटिक प्रोसेस, मतलब आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस से लेके ऑन बोर्ड आप रह रहे हो उतरने तक सब सिस्टमैटिक है। आपको किसी से लड़ना नहीं है, आपको किसी से झगड़ना नहीं है, आपको बोला 4 महीने तो 4 महीने, आपको बोला 3 महीने तो आपको बोला 3 महीने, आपको बोला इतनी वेजेस मिलेंगी, एग्जैक्टली इतनी वेजेस उतने डेट पे आ जाती है, कोई टेंशन नहीं। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है वो मुझे क्रूज पे पता लगा। अभी क्रूज सर इट इज अ कॉर्पोरेट सेक्टर, 5-स्टार होटल है जो जहाज पे तैर रहे, सिंपल, बस उसमें 2 एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो है इंजन डिपार्टमेंट और डेक डिपार्टमेंट, इंजन मशीनरी चलाने के लिए, डेक नेविगेशन करने के लिए। तो हम लोग एक्स्ट्रा आए, बट वैल्यू हम लोगों की सबसे ज्यादा, टू बी फ्रैंक। तो वहां पर कैसे लोग ज्यादा हैं, और ऐसा नहीं है कि यार ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर तू नहीं करेगा तो खत्म। तो जैसे अगर मैं थर्ड इंजीनियर हूं और मैं बॉयलर्स और जनरेटर्स पे काम कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आ रहा है या मुझे हेल्प चाहिए और मैं हेल्प नहीं ले पा रहा हूं, तो कार्गो में क्या होता है कि भाई तुझे करना है, पसीना पुसना करते सब खाने जा रहे हैं, तू मत खाने जा। वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर आप हेल्प मांग सकते हो, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 लोग आएंगे काम करने के लिए। कोई इमरजेंसी हुई, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 30 लोग आएंगे काम करने के लिए। तो
तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, आप काम करते हो, काम करने के बाद जब आते हो तो आपको ऐसा कोई नहीं कि इमरजेंसी कॉल आएगा, अलार्म बज रहे हैं कॉल आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इट्स एक्सट्रीम इमरजेंसी तो आपको बुलाया जाएगा, वो भी इंजीनियर्स कॉल द्वारा। थर्ड पॉइंट, शोर लीव, इतना एंजॉय मैंने शोर लीव, मैंने गिना भी नहीं है मैं कितना शोर लीव जा चुका हूँ, और मैंने बहुत पैसे उड़ाए बाहर, उड़ाए तो नहीं है, इट वॉज जस्ट कि मैं अपना जो रिग्रेट था 6 साल का कार्गो शिप में वो पूरा कर रहा था, ऐसे पूरा कर रहा था कि अब अगली बार मुझे क्रूज में नहीं जाना वाला सीन मैं पूरा कर रहा था भाई मजाक हर रोज। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे काम आई वो थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि सर आप देखिए 5 लोग हैं, आप 5वें बंदे हो, आपकी पर्सनैलिटी 0 है, बट आप 4 लोग ऐसे हैं जिनकी पर्सनैलिटी A1 है, आप चाहोगे इंप्रूव करना, यस और नो, चाहोगे इंप्रूव करना 100%। कोई वाला केस है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं यू शुड बी स्मार्टर पीपल, तो आप स्मार्ट हो जाओगे, डल के साथ रहोगे डल हो जाओगे। यहाँ पर क्या है सर, एक डिपार्टमेंट है, यहाँ मैं जो 15 डिपार्टमेंट, और सर 15 डिपार्टमेंट के साथ आप मिलते हो, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, डांस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डेक डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो आप जब इन लोगों से मिलते हो, इन लोगों से बात करते हो, और आप देखते हो कि यार आपका स्टैंडर्ड किधर है, आपको भी इम्प्रूव करना है, तो आई इम्प्रूव, मैं ग्रूम करना चालू किया, मैं ड्रेसिंग सेंस अच्छा करना चालू किया, ड्रेस पहनने से पहले मैं 10 बार सोचता था कि इट वुड बी गुड कि मैं बाहर जा रहा हूँ लोग देखेंगे। सो इन अ वे पहली आपकी अपीयरेंस ड्रेसी होती है, ये चीज मुझे क्रूज ने सिखाई, और आप मेरे अगर YouTube या फिर Instagram पोस्ट में देखोगे वेरी नाइसली ड्रेस था, मैं प्रॉपर जूते वूते लेकर गया था, भिजता था अच्छे से। पांचवी और लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मिक्स क्रू है, तो मिक्स क्रू का क्या सीन है कि आपके पास मतलब एक्सट्रीम अंग्रेज से लेके एक्सट्रीम एशियन लोग हैं, मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट एक्सट्रीम एक्सेंट इंग्लिश एक्सेंट वाले, और एक्सट्रीमली लो इंग्लिश एक्सेंट वाले, जो इंडियन या फिर आप एशियंस कोई भी कंट्री पकड़ लो तो आप जब उन लोगों के साथ काम करते हो, उनका जो वे है काम को लेकर के, जो हम लोग कार्गो में गधा मजदूरी वाला काम करते हैं, और यहाँ पर जब उनका काम का हम लोग वे समझते हैं, तो एक नई अप्रोच आती है, नई लर्निंग, इट्स न्यू लर्निंग, ऐसा नहीं है कि भाई हमको जो सीनियर सिखा रहे हैं हमको वही सीखना है, नहीं भाई, हम उनसे वो भी सीख सकते हैं, हमें क्या नहीं करना। तो ये मैंने मिक्स क्रू के साथ सीखी, तो ये थे मेरे 5 सॉलिड थिंग्स जो मैं दे सकता। वेरी वेल, बहुत अच्छा बताया और मुझे अच्छा लगा। क्रॉस क्वेश्चनिंग इस शॉर्ट वीडियोस के एंड में होगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 थिंग्स जो आपने क्रूज में ज्वाइन करने के बाद आपने मिस करी, जो कि आपको मर्चेंट नेवी में अच्छी लगी। कार्गो शिप में सर एक चीज थी कि 21 लोग हैं, तो भाई आशीष ठाकुर नाम का बंदा है और उसकी वैल्यू है, नाम था वहां, नाम यहां भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं, यहां भी सर 3 महीने के अंदर अंदर क्रू बार में आशीष नहीं आया मतलब 10 कॉल आते थे मेरे को, इतना नाम मैंने बना लिया था, तो इट वॉज लाइक दैट, ऐसी बात नहीं, यू आर गुड एट दैट, ये जिंदगी भर रहेगा, कुछ लोग लेकर आते हैं क्वालिटी के। बट सर कार्गो में एक चीज मिस होगी, वो कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका जो थप्पा है ना, वो यहाँ पर उतना नहीं है, यहाँ पर लोग पहुंच जाते, और कार्गो शिप का जो क्योस है ना सर, अरे ये भी है वो भी है ये भी है वो भी है, वो वाली चीज मैं मिस करता हूँ, क्योंकि मैं इंडियन हूँ, यहाँ पर सब एकदम ऐसे स्लीक प्यार से मिलता है, तो यहाँ पर ऐसा अजीब सा थोड़ा फील होता है, बट वो टाइम के हिसाब से निकल जाएगा, दो चीजें। अच्छा, आई वुड एड, इससे जो तुम कहना चाहते हो मुद्दा ये कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं मैन पावर के लिए, और मर्चेंट नेवी में आप सिर्फ 21 लोग जहाज चला रहे हो, तो वहां पर इमरजेंसी प्रिपेयरनेस, जो जो हार्ड टफ टाइम, जो कि 16-16, 18-18 घंटे काम करने वाली, वो जो चीज आपने झेली है वो यहाँ पर काम आ रही है, am I right? ओके, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष टू यू इज, हैव यू एवर फेस्ड रेसिज्म ऑन बोर्ड शिप, ऑन क्रूज शिप एवर? अभी तक? बिग यस, अ बिग यस, और मैं प्रिपेयर था सर, क्योंकि क्रूज शिप ज्वाइन करने से पहले मैंने आई थिंक 25 से 30 लोगों से बात की है जो इंडियन क्रूज में सेल कर रहे थे, तो मैंने बड़ा सा एक वो बना लिया था कि रेसिज्म मिलेगा, मेरे को कभी लाइफ में नहीं मिला और मुझे पता भी था क्या होता है, बट जब मैं गया वहां पर आई स्टार्टेड फीलिंग दैट कि यस
रेसिज्म है, और रेसिज्म हर कोई कंट्री का बंदा नहीं करेगा, वहां पर एक स्पेसिफिक कंट्री है, वो मैं नाम ही लेना चाहता हूँ, वो पता है सबको, पता है वो जो डोमिनेंट डोमिनेटिंग फैक्टर है क्रूज लाइन में, वो वाला, वो लोग को बहुत बड़ा झटका लगता है, वो डर जाते बेचारे कि यार ये लोग आ गए हमारी जॉब लेके जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, अभी सपोज मेरे साथ तो तीन इंडियन थे, मोस्टली हमारे साथ 100% हम लोग परफेक्ट काम करते थे, क्योंकि वो जो काम क्रूज शिप में है दैट इज 20% ऑफ आवर परफॉर्मेंस, तो ऐसे ये है अच्छा ऐसे वाला सीन। बट अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी ना, तो वो लोग क्या करते थे, उसको एकदम ब्लास्ट करते थे, और ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ रेसिज्म जो आई फेल्ट ऑन बोर्ड शिप। आपको ज्यादा नहीं पूछेंगे, अभी सर मैं क्रूज पे गया हूं, मैं तो फाड़ूंगा, मैं यूनिफॉर्म पहन के फाड़ के चलता था, मैं किसी को नहीं पूछता था, और मोस्टली इंडियंस यही करते हैं, तो उसमें भी उन लोगों को बहुत इश्यूज आते थे। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पर क्या होता है कि जब आप ज्वाइन कर रहे हो आपके पास ट्रेनिंग पीरियड होता है 7 दिन का 30 दिन का, मेरे पास 30 डेज का ट्रेनिंग पीरियड था क्योंकि फर्स्ट टाइम क्रूज में हो। तो वो 30 दिन में मेरे को बोला कि यू कैनॉट वेयर एप्लेट्स क्योंकि आप सुपर न्यूमरी हो, क्योंकि आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप बस सीख रहे हो। अभी ये वाला तो बहुत बड़ा कंसर्न था, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म पहन के जाऊंगा और मैं एप्लेट्स नहीं पहनूंगा, इम्पॉसिबल है। तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं, मैंने बोला ओके, और मैं उन्हीं के सामने एप्लेट्स पहन के गया, और फिर उनसे, तो दिस इज अ फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, क्योंकि रेसिज्म का कोई फॉर्म नहीं हो, हर तरफ से वो मार सकते हैं, सिंपल एज दैट। So just Ashish to put across over here. So I feel जो racism है it exists everywhere. चाहे आप US में काम करो, यूरोप में काम करो, हर जगह exist करता ही करता है किसी ना किसी रूप में. और कहीं ना कहीं अगर हम बोले कि हम नहीं करते, तो हम भी कहीं ना कहीं करते हैं. जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का कोई आता है तो हम भी कहीं अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, काफी लोग करते हैं. So and people learn to deal with it. Till the time they become dominant, and we just need to understand one thing, कि जब आप dominant हो जाओ तो तब आप वैसा ना करें, वो जरूरी है. Okay, thank you. इसके बाद मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि how to face it. पहले तो आपको पता होना चाहिए ये होता है, तो आप prepare हो जाओगे. दूसरा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हो रहा है, तो आपको react नहीं करना है बिल्कुल, आपको chill मारना है और ignore मार के निकल जाना है बस, ऐसा कुछ stress नहीं आती. Okay. So Ashish, next question to you is, how big was your first cruise ship and how many people were there in engineering team as opposed to cruise ship, merchant navy team में 8-9 लोग रहते हैं, यहाँ पर कितने लोग थे, कितना बड़ा जहाज था? सर ये था हमारा ग्रैंड क्लास शिप, इट वॉज अराउंड 264 meters, 1992 बिल्ट, और इंजन रूम में हमारी टीम थी 98 से 104, आई एम नॉट एग्जैक्ट. Oh God. पहली बात तो 1992 बिल्ड, इतना पुराना, और कंडीशन कैसी थी जहाज की? A1 मतलब क्रूज जहाज की तरह नहीं, मर्चेंट शिप, यहाँ पर ऑयल स्पिल हो रखा है, यहाँ साफ करो, ये सवाल ही नहीं. थोड़ा थोड़ा स्पिलेज था बट वो मैनेजेबल था, उतना कुछ नहीं. 1992 बिल्ड शिप, एंड वाज इट अ जापानीज बिल्ड शिप? मतलब नो, इट वाज इटालियन मेड, नॉट जापानीज. ओके. और 98 लोग, तो क्या मैं जान सकता हूँ ये 98 लोग में कैसे कैसे टीम बटी हुई थी, थोड़ा सा अगर आप आइडिया दे पाओ तो? यस, इसमें मैं बता देता हूँ आपको. एक टीम होती है वॉचकीपिंग टीम, एक टीम होती है मेंटेनेंस टीम, एक टीम होती है वाटर टेक्नीशियन टीम, एक टीम होती है होटल इंजीनियरिंग टीम, एक टीम होती है प्लम्बर टीम, फिर उसमें कई के लोग बटे रहते हैं. इंजन रूम में भी प्लम्बर टीम, होटल इंजीनियरिंग टीम, मेंटेनेंस टीम. एक्चुअली सर ये रैंक्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली टीम. टीम शायद तीन ही होती है, बट उनमें इतने लोग, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल 9 फिटर्स थे, 10 वाइपर थे, 3 ऑयलर, 6 थर्ड इंजीनियर, 4 सेकेंड इंजीनियर, 2 फर्स्ट इंजीनियर, 1 स्टाफ चीफ इंजीनियर, 1 चीफ इंजीनियर. सबसे बड़ा होता है चीफ इंजीनियर, सबसे बड़ा होता है चीफ इंजीनियर, करेक्ट. ओके ओके. आखिर आशीष, क्रूज शिप पे इंजन रूम में
104 लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है जहां पर एक तरफ मर्चेंट नेवी के जहाज पे जो कि खुद वो भी 264 मीटर बड़ा हो सकता है जितना बड़ा क्रूज शिप है, और वहां पर सिर्फ 8-10 लोगों की इंजीनियरिंग टीम पूरा काम कर लेती है। तो सर आप इसको ना, मैं आपको बताता हूं, एक कैबिन का हेयर ड्रायर से लेकर मेन इंजन इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम के बीच का जो बड़ा सा वो है ना, उस सब में इंजन रूम, मतलब उस सब में ये टीम काम करती है। ओके तो आप अभी हमारे कार्गो शिप में क्या था भाई, 3 जनरेटर है, 1-2 स्ट्रोक मेन इंजन है, उनको चलाना है बस, और बाकी प्यूरिफायर है भाई, कंप्रेसर्स हैं। हाँ ठीक है सर, वो तो ठीक है, और फ्रेश वाटर जनरेटर है छोटा सा। यहां पर सर कार्गो जो है 1500 पैसेंजर्स, अब वो 1500 पैसेंजर्स को आपको खुश करना है, क्योंकि कार्गो शिप में हम अपने कार्गो को बस रखते हैं, खुश नहीं करते, बस उसको प्यार से लेके जाना है। यहां पर 1500 से 2000 पैसेंजर्स को हमको खुश करना है। तो खुश कैसे होंगे वो लोग, एसी, लाइट, कैबिन, हाउसकीपिंग स्टाफ, फिर ऊपर जाएंगे तो वाटर जेट्स, स्विमिंग पूल, गर्म पानी, जेट स्की, सोना बाथ, और पूरे जहाज को समुंदर पे लेके जाना है। अभी ये लग तो छोटा रहा है बट है नहीं, क्योंकि 264 मीटर्स डेक 1 फॉरवर्ड से लेके आफ्ट तक एज अ थर्ड इंजीनियर वॉच कीपिंग ऑफिसर मैं राउंड्स लेता था, और उसमें थे कंपार्टमेंट्स, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा पर 16 कंपार्टमेंट थे, क्योंकि यहां पर कंपार्टमेंट सिस्टम होता है वॉटरटाइट डोर्स, अगर कुछ भी हो गया तो बंद कर देते। हर कंपार्टमेंट की एक स्पेशलिटी थी कि ये भाई फॉरवर्ड डीजी रूम का कंपार्टमेंट है, ये आफ्ट डीजी रूम का कंपार्टमेंट है, ये इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम का कंपार्टमेंट है, ये फ्रेश वाटर टैंक्स का कंपार्टमेंट है, ये एंटी हीलिंग सिस्टम का कंपार्टमेंट है। तो हर कंपार्टमेंट में कुछ ना कुछ मशीनरी है, तो आप सोचो सर 264 में हर कुछ ना कुछ है, उसको थोड़ी ना सिर्फ थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, फर्स्ट इंजीनियर संभाल पाएंगे, उनके लिए अलग टीम्स हैं। समझ गया। आरओ प्लांट 30 मीटर क्यूब या 30 टन आप बोलो पर घंटे, पर घंटे जो कि मर्चेंट नेवी शिप पे पर डे होता है, यहाँ पर घंटे, पर घंटे पानी चाहिए। उसमें 2 आरओ प्लांट थे और 3 इवेपोरेटर सिस्टम थे, जो फ्रेश वाटर सिस्टम है सर उसका बड़ा वर्जन, बाप जो जनरेटर से चलते हैं, और वो भी आपके 25 टन्स पर आवर के हिसाब से बनाने, क्योंकि वहां पर हमको कार्गो को खुश करना, पैसेंजर्स या गेस्ट को खुश रखना, पानी तो चाहिए चाहिए भाई। बिल्कुल समझ में आता है, दैट इज व्हाई सो मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड। और ऐसा नहीं है कि आराम की जिंदगी है, जब काम है तो बराबर काम है, मैं राइट? काम है तो काम है। आशीष, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि सैलरी ऑफ अ चीफ इंजीनियर ऑन बोर्ड शिप, जैसे कि आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबॉडी, मर्चेंट नेवी में बल्क कैरियर पे सैलरी ऑफ अ चीफ इंजीनियर ऑन $10,000 अ मंथ, ऑन टैंकर्स इट कैन गो अप टू $14,000 अ मंथ, वहीं पर एलएनजी कैरियर्स पे इट कैन गो अप टू $20,000 अ मंथ। यहां पर जो चीफ इंजीनियर हैं उनकी सैलरी कितनी है? सर मैंने तो एग्जैक्टली नहीं पूछा है, बट इधर ये सब इंफॉर्मेशन ऑन पेपर्स नहीं पता मुझे, बट इधर उधर से पूछा है मैंने, तो जो हमारे रिसेंटली जो चीफ इंजीनियर थे उनको मिल रही थी 22,000 पर मंथ, बट वो राउंड द ईयर वेजेस लेते थे, तो इट वाज अराउंड 10,000 या 11 ऐसा कुछ। राउंड ईयर सैलरी मतलब जब आप घर पे हो तब भी आपको सैलरी मिलती है, जस्ट बताने के लिए। So it was coming to around $22,000 a month जब आप सेल कर रहे हो, which is मैं मतलब उसको सर रेंज कर दूंगा, it is around 18,000 से 22 तक जाता है, it depends on the rank experience और कितना seniority है। अच्छा, my next question आशीष, कभी शिप पे बात हुई हो कि कोई इंडियन भी चीफ इंजीनियर या कैप्टन है किसी क्रूज शिप पे? डू यू नो, हैव यू हर्ड अबाउट समवन कि जिनको मैं कभी टच कर सकूं लिंक्डइन पे और कभी उनका इंटरव्यू ले सकूं? Yes, चीफ इंजीनियर तो नहीं है बट आई हैव अ फर्स्ट इंजीनियर जो अभी अजमेरा क्रूज में है। चीफ इंजीनियर तो मैंने नहीं सुना सर, इवन मैंने स्टाफ भी सुना है नॉट चीफ। अगर सर हमको अपॉर्चुनिटी 10 साल पहले ही मिल चुकी होती तो अभी हम लोग भी चीफ होते।
और प्रमोशन, अच्छा चलो, और प्रमोशंस कितना स्लो है, जैसे एलएनजी कैरियर पे बनने में मेरे अभी तक कोई बैचमेट 2008 में हम पास आउट हुए, कोई एलएनजी पे चीफ इंजीनियर नहीं बना है, व्हाट अबाउट इस यहां पर? एग्जैक्टली सर, आप इसका मतलब एलएनजी पे सिर्फ थोड़ा सा और डिले कर दो, और डिले कर दो, और डिले तो थोड़ा और डिले करके प्लस रैंक ज्यादा है। एलएनजी में भी फर्स्ट इंजीनियर होते हैं शायद, पर स्टाफ नहीं होता, यहाँ पर रैंक ज्यादा है। और सर ये मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ इतनी स्लो क्यों है, नहीं होनी चाहिए, बट जब मैं गया मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे लगा नहीं, यू हैव टू बी एक्सपीरियंस बिकॉज कार्गो पैसेंजर्स, यू कैन नॉट, लाइफ एट स्टेक, लाइफ एट स्टेक। तो फिर पहले मुझे लगता था गैस इज अ मोस्ट क्या बोलते हैं डेंजरस कार्गो एंड हाई वैल्यूड कार्गो, बट नहीं, पैसेंजर्स गेस्ट आर द मोस्ट वैल्यूड एंड हाई। ओके, थैंक यू आशीष फॉर मेकिंग दिस वेरी क्लियर कि अगर दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव कार्गो देखा जाए तो ना तो वो गैस है ना वो ऑयल है, सबसे एक्सपेंसिव कार्गो क्रूज शिप के ऊपर है क्योंकि वहां पर लोगों की जान है, राइट? थैंक यू वेरी मच। सो आशीष, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, इफ यू वांट टू बिकम अ चीफ इंजीनियर और कैप्टन ऑन बोर्ड अ क्रूज शिप, जनरली हाउ लॉन्ग डज इट टेक? सर टू बी फ्रैंक, मैंने इस पे ना रिसर्च नहीं किया क्योंकि मैं और जगह पे थोड़ा रिसर्च कर रहा था इस पे, मैं शायद, बट मैंने जो भी चीफ इंजीनियर्स या फिर कैप्टन्स देखे हैं, जो चीफ इंजीनियर था अभी रिसेंटली ही वाज 45, तो okay. मतलब 43 के बाद से वो चीफ इंजीनियर बन गया था, एंड इट आल्सो डिपेंड ऑन द नेशनैलिटी एज वेल एज, तो ही वाज द डोमिनेटिंग नेशनैलिटी। देखो टाइम लगेगा, अब जब इंडियंस ने, तो अब जब इंडियंस, देखो एक टाइम था मर्चेंट नेवी में भी इंडियंस का बोलबाला नहीं था, धीरे धीरे हम घुसते चले गए। एग्जैक्टली अब जब क्रूज का बोलबाला हो रहा है थैंक्स टू पीपल लाइक यू, रोमिता बुंडेला मैम एंड सो मेनी पीपल, तो अब और सोशल मीडिया आ चुका है जहां पर हम लोगों को तक आवाज पहुंचा सकते हैं, तो क्रूज में भी भाई जय माता दी करेंगे, राइट? आने वाले सर 5-10 साल में देखना, और लाइफ बहुत अच्छी है, राइट? मच बेटर देन दी मर्चेंट नेवी, लाइफ इज वेरी गुड, फूड इज वेरी नाइस, आपको पैसेंजर्स के वहां फूड एंजॉय करना है, एज ऑफिसर यू कैन गो ड्रेस अप एंड एंजॉय, नो प्रॉब्लम, पार्टीज बवाल, आपका डेडिकेटेड आपका रिक्रिएशनल बड़ा सा रूम है, मतलब आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आपके लिए एचआर की टीम है, आप जाके कंप्लेन कर सकते हो, मतलब पूरा एमएनसी कल्चर है, कॉर्पोरेट सेक्टर, फ्लोटिंग ऑन शिप, फ्लोटिंग ऑन शिप, सिंपल एज दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टू आशीष, इस फर्स्ट क्रूज शिप पे कहां कहां घूमे और कंपैरिजन टू दैट मर्चेंट नेवी में इतने साल सेल किया, वहां पर जो थोड़ी बहुत शोर लीव याद है वो बताओ और क्या डिफरेंस है? अभी सर क्या है ना, जो क्रूज का जो आइटिनरीज है ये 3-3 साल से डिसाइडेड है एवरी डे का, तो मैं जिस शिप में था 4 महीने के लिए, दैट ओनली सेल्स टू अलास्का, गो टू वैनकोवर, कम टू अलास्का, घूमता था पूरा, पैसेंजर्स को खुशी देता था, देन कम टू वैनकोवर, ऐसे ही चलता रहा। तो वैनकोवर अलास्का, वैनकोवर, बट अलास्का में 5 पोर्ट और 3 सीनिक व्यूज, दैट इज नॉट अ पोर्ट बट सीनिक व्यूज, वहां जाएगा रुकेगा घुमाएगा पैसेंजर्स को खुश करेगा वापस आ जाएगा, जो कि हमको नेशनल टेलीविजन पे देखते थे ना सर, वो ग्लेशियर बे है, नाम भी बहुत अच्छे अच्छे थे और मैं देखा मतलब ऐसा आंख खुल जाती थी देखते, तो इट वॉज सो ब्यूटिफुल। शोर लीप पे सर मैं जाता था, अभी हमारे क्या है कि 4 वॉच सिस्टम है, 6 घंटा मैं करता हूँ, अगर सपोज मैं रात को 1 बजे से सुबह 7 बजे करता हूँ तो मैं फिर रात को जाऊंगा 1 बजे से 7, तो 4 टीम है, 4 वॉच, 3 वॉच सिस्टम होता सर 4-4 घंटे वाला, यहां पर 4 वॉच सिस्टम है, 6 घंटे आप करोगे अपनी वॉच, फिर वही टाइम पे नेक्स्ट डे आओ, तो सोचो वो पूरा दिन। तो जब सुबह 7 बजते थे मैं करता था ब्रेकफास्ट, अभी क्रूज का क्या है, सुबह लगता है 9 बजे लगेगा और शाम तक निकल जाएगा, तो मैं सुबह निकलता था बाहर पूरा घूमता था वो एरिया पर्टिकुलर और आया, इवन मैंने एक एक जगह जैसे जुनो हो गया, स्कैगवे हो गया, ये सब अलास्का में आते हैं, वो मैंने 4-4, 5-5 बार घूमे और अच्छा लगा, मजा आ गया, बहुत
अब यही कंपैरिजन करते हैं मर्चेंट नेवी आपने इतने साल सेल किए, इतने साल जहाज किए, वहां पर आपको क्या चीज की कमी लगी? जाहिर जाते ही नहीं थे, जा नहीं पाते थे, क्या चीजें लगी आपको? पहले तो जाने पे थोड़ा डिबेट होता था, फिर जाते थे तो दोपहर में तो कहां ही जा पाते, रात को ही जाते थे, और रात को कहां ही जाएंगे, बाहर ही जाएंगे, और तो कहीं नहीं जा सकते, या वॉलमार्ट जाएंगे, या वॉलमार्ट जाएंगे, वॉलमार्ट भी जाएंगे, चलो वॉलमार्ट चले गए, बिग अपना वहां चले गए, तो वहां पर जो टाइम की पाबंदी थी और पूछने वाले बहुत थे। यहाँ पर अगर आपने एक बार अपना वो कर लिया 6 घंटे, थोड़ा सा ओवर टाइम कर लिया, आप फंसने को बोले बाहर से, ओके भाई टाटा, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, जहाज निकलने से पहले बस आ जा। ये पूरा गेम है, कितने लोग काम कर रहे हैं जहाज के ऊपर, मर्चेंट नेवी जहाज पे कम लोग हैं, तो दबाव रहता है, दुनिया भर के इंस्पेक्शन है। अगर जैसे अभी आशीष ठाकुर ने पिछले वीडियो में बोला था कि जहाज पे आप मर्चेंट शिप पे आपका ठप्पा है क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब से, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो चीजें बढ़ जाती है। वहीं क्रूज शिप के ऊपर आप नहीं है तो कोई और है, और लोग बैठे हैं जो कि काम कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, तो जब आप शिप से उतरते भी हो तो वो टेंशन ही होती कि जहाज पे क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट? बट यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि मैं अपने करियर में एंग्लो ओशन में फेडनैप पे सेल किया था, अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा मौज मैंने उस जहाज पे काटी थी, बट वहां पर लोग भी बहुत अच्छे थे और पोर्ट भी बहुत अच्छे मिल गए थे किस्मत से, अदरवाइज मैंने भी कुछ ज्यादा सेल नहीं किया। एनीवेज आशीष, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, कितने घंटे की काम की ड्यूटी होती है ऑन अ क्रूज शिप एज कंपेयर टू मर्चेंट नेवी शिप, जहां पर हम सब लोग जानते हैं कि मिनिमम 8 से 10 घंटा तो करना ही करना है, संडे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, राइट? और कभी 12 घंटे भी हो जाए, कोई पोर्ट आ जाए तो फिर कोई जय माता दी है। अब यहाँ पर क्या है बताइए सर? यहाँ पर क्या है कि एवरी डे इज अ मंडे, देयर इज नो संडे, छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं है। आपकी वॉच है, 4 वॉच सिस्टम है, तो जैसी सर मैं अपना 30 डेज का ट्रेनिंग पीरियड के बाद वॉच पे आया तो मुझे नाइट वॉच दी गई, नाइट 1 to 7, और 7 बजे के बाद मैं करता था ब्रेकफास्ट, 8 बजे आता था, 8 से करता था 10 ओवर टाइम फॉर एनी मेंटेनेंस वर्क, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इट्स ओके। तो मेरा कितना हो गया, 6 + 2 = 10 घंटे, 6 = 8 घंटे। हाँ, तो अभी जो ओवर टाइम है इट कैन वेरी अप टू 4 hours to 2 hours, अगर बहुत ज्यादा काम है, कुछ नहीं चल रहा है, ऐसा हुआ है हमारे साथ, पुराना जहाज था तो हमको 4 घंटे भी करने पड़े, ऐसा भी नहीं, बट नॉट एवरी डे। बस ये है आपकी वॉच, इतना ही आपको करना, मतलब 8 घंटे तो डेली है ही है, ये कंफर्म है, और 10 घंटे भी हो सकता है, बट इसके ऊपर नहीं जाता, जितना मर्जी इंपॉर्टेंट हो, अनलेस एंड कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना आ जाए, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी इमरजेंसी ना आ जाए, प्लस सर यहाँ पर मेजर ओवरऑल्स उतना होते नहीं है, क्योंकि एकदम टिप टू टिप ये लोग मेंटेन करके रखते हैं, छोटा मोटा फिटर्स आर फैबुलस, आंख बंद करके काम करते हैं, मतलब 60-60 वाले फिटर्स हैं फिलिपिनोस, वो काम करते हैं मस्त, प्लस यहाँ पर मेजर ओवरऑल्स जो है वो टेक्नीशियंस करते हैं, तभी मेंटेन्ड है, तो इसीलिए यू आर व्हाइट कॉलर टाइप। ग्रेट 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 आशीष, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू टुडे इज कि एक ऐसी चीज जो तुम्हें लगा यार मर्चेंट नेवी और क्रूज में बिल्कुल अलग है, मतलब पोल्स अपार्ट, व्हाट इज दैट? सर जैसे मैंने आपको जो बताया था ना 5 पॉइंट में, सबसे पहला सिस्टमैटिक प्रोसेस, यहां पर क्या है, जैसे आप जाते हो, आपके पास जाने से पहले ही आपको पता है कि आप कौन सी डेट में ज्वाइन करने वाले हो, कौन सा पोर्ट है, और टिकट आपके हाथ में, जाने से पहले ही आपको पता है कि आपका साइन ऑफ कौन सी डेट में है, कौन सा पोर्ट है, और टिकट आपके हाथ में, और जैसे आप 3rd month ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जाओगे आपको पता लग जाएगा कि आपका नेक्स्ट शिप कौन सा है, पोर्ट कौन सा है, डेट कौन सी है, और टिकट आपके हाथ में, पॉसिबल नहीं, क्योंकि जहाज का रूट चेंज होता रहता है, कभी ये वीजा चाहिए, कभी वो वीजा चाहिए, ऑल दोस थिंग्स। यस सर, यहाँ पर सब फिक्स है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक और क्वेश्चन आशीष, सॉरी, कि जैसे कि मर्चेंट नेवी में अभी तो बिकॉज ऑफ कोविड फैमिली को अलाउ नहीं किया है लेकर जाना, या काफी कंपनीज ने दिक्कतें करी हुई हैं, वीजा के इश्यूज हैं, क्या क्रूज पे हम अपनी वाइफ्स को लेके जा सकते हैं, अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं? सर मेरा सबसे पहला जो प्रोज, जो प्रायोरिटी मैंने चेक किया था वो था माय पेरेंट्स एंड माय वाइफ, तो ये हम लेके जा सकते हैं, मैं ऑलरेडी सब पूछ चुका हूँ। वाइफ को तो मैं अपने साथ ही लेके जा सकता हूँ एज अ प्रिविलेज,
एंड शी कैन बी विद मी फ्री ऑफ कॉस्ट और पैसेंजर्स के मजे ले सकती है, मतलब जाएगी अपना डाइनिंग करेगी ये वो प्लान ढंगाना, प्लस मैं अपने पेरेंट्स को भी लेके जा सकता हूँ एज अ उसको कुछ तो बोलते हैं क्रू वेलफेयर कुछ तो है उसका, आपको भी ला सकता हूं अगर आप आना चाहते हो विद अ डिस्काउंट विद माय पोर्टल इन मुझे बुला लो मर्चेंट नेवी डिकोडेड कर देंगे पूरा क्रूज में भी है सर तो इट इज अ वेरी गुड थिंग और मैंने देखा है कई लोग लेके आए हैं, कई लोग लाते हैं लाके छोड़ दिया है बेचारे, अब लाते नहीं होगी इतनी बार हो चुका है क्योंकि वो तो 10-10 साल से इस इंडस्ट्री में है, तो मेरा तो सर फर्स्ट प्रायोरिटी यही था पेरेंट्स एंड वाइफ। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन आशीष, सॉरी यार आई एम बगिंग यू बट जरूरी है, हाउ इज इंटरनेट ऑन क्रूज शिप्स? व्हाई आई एम सेइंग दिस, मर्चेंट नेवी जब तक मैं 2 साल पहले तक सेल कर रहा था कंडीशन ऐसी थी कि हम जिस चार्ज पे थे वहां पर 15 दिन के अंदर 1 GB नेट मिलता था और वो भी अब तो फटाफट खत्म हो जाता है। सो अब तो स्टारलिंक आ गया है थैंक्स टू एलन मस्क, कुछ कुछ जहाजों पे लग गया, कहते हैं स्पीड अच्छी है बट काफी जगह नहीं मिलती है। व्हाट अबाउट क्रूज शिप्स? क्रूज शिप्स आर सिस्टमैटिक प्रोसेस एज आई सेड, यहाँ पर जो मेरी कंपनी थी उसमें क्या है पर डे $2 अनलिमिटेड अगर आपको चाहिए तो आप $2 का रिचार्ज करिए और अनलिमिटेड मतलब जब आपने शुरू किया उससे आपके 24 घंटे काउंट हो जाए, ठीक है? तो और फ्री आपको मिलेगा व्हाट्सएप, हो गए काम खत्म, मेरा तो हो जाता था काम। यहाँ पर मोस्टली ये लोग एम्फेसाइज करते हैं नेटफ्लिक्स पे, तो अगर आप नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे देखते हो तो आपके लिए जन्नत है। अभी तो स्टारलिंक आने वाला है, मेरे टाइम पे नहीं आया बट मैंने सुना है अब आ गया है, तो अब तो और जन्नत होगी क्योंकि मेरे को चाहिए यूट्यूब वीडियोस इंस्टाग्राम, तो वो इंस्टाग्राम मस्त था एकदम, बट यूट्यूब वीडियो थोड़ा अपलोडिंग में स्लो था बाकी चलता था। थैंक यू वेरी मच आशीष, आई होप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद लोग एकदम से मन्ना बना ले मर्चेंट नेवी से क्रूज में जाने का, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू से विद दिस वीडियो कि हर उसमें अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं, जहां एक तरफ अगर आप बल्क कैरियर पे यू कैन गेट फास्टर प्रमोशंस एंड उसके बाद यू कैन स्विच ओवर टू शोर जॉब एंड डू, उसी तरह अगर आप क्रूज के ऊपर हैं तो प्रमोशंस आर वेरी स्लो एज देयर आर इन एलएनजी कैरियर, बट वहीं पर एक बात आ जाती है क्वालिटी लाइफ है, आपको बार बार शिप से दूर जाना है, मतलब घर से दूर जाना है, बट घर से दूर भी जाके आप लोगों के बीच में एक माहौल अच्छा है, बट स्टिल लाइफ लॉन्ग ये चीज चलती रहेगी तभी आप चीफ इंजीनियर तक पहुंचेंगे अगर आप पहुंचे तो। सो चैलेंजेस है भाई, इट इज नॉट इजी एंड बट आई बिलीव कि पीपल नीड टू टेक, पीपल शुड बी ओपन फॉर चेंजेस, सी व्हाट इज सूटिंग देम एंड देन मेक द डिसीजंस। मेक सेंस आशीष? मेक सेंस सर। मैं एक टिप देना चाहूंगा अगर आप बहुत डायलेमा में जाएं कि नहीं जाएं, मैंने क्या किया सर 10 पॉइंट लिखे थे जो फेवर वाले हैं, 10 पॉइंट जो फेवर में नहीं है, फिर टिक करता गया जो मेरी जो मुझे प्रायोरिटी है, तो प्रायोरिटी में फेवर वाले आ गए हम चले गए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो विद दिस ऑल आई कैन से इज थैंक यू आशीष फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स एंड आई विल कीप टॉकिंग टू मोर सच पीपल, रोमिता बुंडेला मैम जो भी मर्चेंट नेवी से क्रूज पे गई हैं, और ऐसे लोगों को लेकर आऊंगा सो दैट आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सकूं, और आने वाले टाइम में यस आई विल बी मेकिंग अ प्लान कि मैं आपको हैंड हेल्ड करके अच्छे जहाजों पे लेके जा सकूं, बट इट विल बी अ स्लो प्रोसेस बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, प्रणीत मेहता कोई जादू की छड़ी चला सकता, इट विल बी अ स्लो प्रोसेस विद दिस। Thank you, Ashish. Thank you very much for joining. Thank you.